आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है प्राइम टीवी पर और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं नितिन कुमार। कानपुर मामले पर अब जो जांच का दायरा है वो काफी बड़ा होते जा रहा है और इस जांच के दायरे के साथ साथ सरकार की तरफ से जो कार्रवाइयां हो रही हैं उन कार्रवाइयों के डर से जो आरोपी हैं वो अब आत्मसमर्पण करने में भी लग चुके हैं। दरअसल 3 जून को जुमे वाले दिन जिस तरह से धार्मिक उन्माद या फिर बोला जाए जो हिंसा भड़की थी, उस हिंसा के बाद जो पत्थरबाजियां हुई और उसके बाद सरकार की तरफ से जो कार्रवाइयां हुई, उस कार्रवाई के बाद अब जो आरोपी हैं उनकी तरफ से लगातार थानों में सरेंडर करने की जो प्रक्रिया है उस पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। पूरे मामले में सरकार और पुलिस प्रशासन की तरफ से कार्रवाई करते हुए 2 प्रमुख FIRs दर्ज की गई थी, जिसमें 1 FIR जो थी वो 20 नामजदों के खिलाफ थी और 1 अज्ञात लोगों के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया गया था। उसके बाद लगभग 40 लोगों का एक पोस्टर भी जो है वो जारी किया गया था सरकार की तरफ से, जो लोग उस दौरान पत्थरबाजी करते हुए नजर आए थे और CCTV कैमरे में कैप्चर हुए थे, उनकी तस्वीरों के साथ वो जो पोस्टर था वो पोस्टर रिलीज किया गया था और रिलीज करने के बाद से लगातार अब तक करीब 50 लोगों की जो गिरफ्तारी है वो हो चुकी है और बीते 24 घंटे में करीब 12 लोगों को गिरफ्तार करके सरकार की तरफ से और पुलिस की तरफ से ये बता दिया गया है कि इस पूरे मामले में जो कार्रवाई है वो लगातार हमारी तरफ से पुख्ता और बेहतर की जा रही है। और इसी के बीच इस पूरे मामले की शुरुआत जहाँ से हुई थी, नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल, इनकी तरफ से भी माफी जरूर मांगी गई है, लेकिन उसके बाद से लगातार जो अलग अलग मुस्लिम नेता हैं, अलग अलग धर्म गुरु हैं, उनकी तरफ से जो बयानबाजियों का सिलसिला है वो काफी तेज होता जा रहा है। दरअसल जो कुवैत है, ईरान है, कतर है, ये सारी जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, यहां पर भारत के जो प्रोडक्ट्स हैं उनका विरोध शुरू हो चुका था और विरोध शुरू होने के एवज में जब भारत सरकार से ये कहा गया कि इस पूरे मामले में इंटरप्ट किया जाए, कंपनियों की तरफ से कहा गया कि सरकार इसमें हस्तक्षेप करे और शांति बनाने की कोशिश करे, तो सरकार की तरफ से ये भी बयान आया था कि जिन लोगों की तरफ से ये पूरा मामला उठा था उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है और नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल को पार्टी से 6 साल के निष्कासित भी कर दिया गया है। लेकिन उसके बाद काफी अहम चीजें और निकलकर सामने आई हैं। निकलकर ये सामने आया है कि मुस्लिम नेताओं की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से ये जो कार्रवाई की गई है ये नाकाफी है, इस कार्रवाई को और बड़े पैमाने पर किया जाना चाहिए और उनका साफ तौर पर कहना है कि गिरफ्तारी होनी बहुत जरूरी है। कुछ लोगों ने यह भी कहा है कि जो विरोध कानपुर में हुआ है वो विरोध भी सही है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जो पत्र है वो पत्र भी जारी किया गया है और उस पत्र में भी साफ तौर पर इस चीज का जिक्र किया गया है कि जो भी चीजें उस दिन वहां पर हुई, कानपुर में हुई, वो सब कुछ सही है। अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो ये जो चीजें करी गई हैं, विरोध जो जताया गया है, ये विरोध जताने का तरीका सही है। और उसके बाद से लगातार जो कार्रवाई हो रही है पुलिस प्रशासन और सरकार की तरफ से, उस पर भी जो सवाल है वो खड़े किए गए हैं। इन मुस्लिम नेताओं की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये जो कार्रवाइयां हो रही हैं ये कार्रवाइयां एक पक्षीय कार्रवाई है। कहा यह जा रहा है कि 90% मुस्लिम और 10% दूसरे समुदायों के लोगों के ऊपर ये कार्रवाइयां हो रही हैं। तो ये सवाल कार्रवाई को लेकर के क्यों खड़ा हो रहा है, क्यों मुस्लिम पक्ष को ये लग रहा है कि सिर्फ उन्हीं लोगों के ऊपर कार्रवाइयां हो रही हैं और हिंदू पक्ष या फिर जो हिंदू नेता हैं उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जब मुस्लिमों ने पत्थर चलाए तो कार्रवाई उन्हीं के ऊपर होगी, किसी और के ऊपर कैसे हो जाएगी, ये भी एक बात सही है। इस पर भी हम चर्चा और विचार विमर्श करेंगे। लेकिन उसी बीच आज एक और नया मामला निकलकर सामने आया, जब बताया ये गया कि 6 जगहों पर बम विस्फोट किए जाएंगे और ये बम विस्फोट जो है वो RSS के कार्यालयों पर किए जाएंगे। दरअसल आज राजधानी लखनऊ का जो RSS का जो कार्यालय है वहां पर एक पदाधिकारी के पास व्हाट्सएप चैट के जरिए एक लिंक आता है और उस लिंक के जरिए व्हाट्सएप चैट में ये लिखा होता है कि 6 जगहों पर जो RSS के कार्यालय है वहां पर बम विस्फोट किया जाएगा। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस तुरंत सतर्क में आई, STF, ATS सब सतर्क हो गए और उसके बाद इस आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन कहीं इसके भी तार इन्हीं जैसी चीजों से जुड़े तो नहीं है जो लगातार देश प्रदेश में बढ़ते जा रहे हैं और एक दूसरे के खिलाफ जो भावनाएं हैं उन भावनाओं में जो एक
जो गर्म माहौल है वो देखने को मिल रहा है, क्या उसे भी इसी से जोड़ा जा सकता है, ये भी देखना है हमें। और इसी बीच एक काजी साहब हैं कानपुर के, उनका भी एक बयान आया है। उन्होंने साफ तौर पर इस चीज़ का जिक्र किया है कि अगर सरकार इसी तरह से कार्रवाई करती रहेगी, पुलिस प्रशासन इसी तरह से कार्रवाई करती रहेगी, तो वो दिन दूर नहीं है जब हम सर पे कफन बांध करके बाहर निकल के आ जाएंगे और विरोध करना शुरू कर देंगे, हम अपनी जानें भी दे सकते हैं। तो ये सारे बयान जो है मैं ये आपको सुनवाऊंगा। फिलहाल मैं इस डिबेट को शुरू करूंगा, आप पहले वो बयान सुनिए और उसके बाद मैं इस चर्चा को शुरू करता हूँ। देने वाले कौन हैं उसकी जाँच होगी और जाँच में जो दोषी होंगे उनको पकड़ करके उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यालय या उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता सबके सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है वो सरकार निभाएगी। लेकिन इस प्रकार की धमकी क्यों कैसे आई है, कौन इसके पीछे है, इसके तह तक जा कर के जाँच की जाएगी और जो इसके दोषी होंगे उनको पकड़ा जाएगा। वो नवैया दूसरी थी, यहाँ की नवैया शहर की दूसरी है। अगर इस तरह की कोई कदम उठाए गए तो फिर सर पे कफन बांध के लोग निकल भी आएंगे मैदान में, ज़्यादा दिन इंतज़ार नहीं कर पाएंगे। इस यात्री की इंतहा, सब्र का इंतहा हो रही है। अगर यही अगर मतलब होना है तो फिर ठीक है, वो हम कानून को तो तोड़ते नहीं। जिस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर मुसलसल बार बार तौहीन रिसालत हो रही है, लिहाजा इससे हिंदुस्तान की छवि और हिंदुस्तान की शक्ल बाहर के मुल्कों में बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। इसलिए कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ ऊपर हर मसलक हर मज़हब के लोग बसते हैं, और बड़े अफसोस की बात है कि शान रिसालत में गुस्ताखी होती रही और मोदी जी सबके विश्वास की बात करते हैं। पुलिस शहर में अमन चैन कायम करने के लिए लगातार भ्रमणशील है, जगह जगह पर हमारे वरिष्ठ अधिकारी तैनात हैं, लगातार फुट पेट्रोलिंग कर रहे हैं और भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से संवाद स्थापित कर रहे हैं। मैं यह भी अब आपको अवगत कराना चाहूँगा कि जो लोग तीन ताली घटना में लिप्त थे उनके हमारे पास CCTV फुटेज और वीडियोज हैं, उन्हीं के बेसिस पे उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है और किसी भी निर्दोष के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। मात्र वही लोग जो फुटेज के अंदर है उन पर कार्रवाई की जा रही है। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विवेक श्रीवास्तव जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं, मिसम जैदी हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, नईम सिद्दीकी हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर हैं, इसके अलावा आमिर साबरी साहब हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर हैं, स्वर्ण महासंघ से हमारे साथ गजेंद्र त्रिपाठी जी हैं और अनुराग त्रिपाठी हमारे साथ समाजसेवी हैं। आप सभी मेहमानों का आज के इस डिबेट में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आमिर साबरी साहब आपके पास आना चाहूँगा। ये एक शहर के काजी साहब हैं कानपुर के, कुछ दिन पहले इनकी तारीफ बड़ी हो रही थी, आज इन्होंने एक बयान दे दिया, उन्होंने कहा कि हम सर पे कफन बांध कर निकल के आ जाएंगे बाहर, ये क्यों कहा, किस नज़र से कहा? और दूसरी चीज़, आप लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि ये जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं ये एक तरफा है, 90% आप लोगों के या फिर मुस्लिम पक्षों के ऊपर हो रही है और 10% दूसरे समुदाय के ऊपर? बहुत शुक्रिया नितिन जी आपका कि आपने इस बहस का हिस्सा बनाया मुझे जी। देखिए, जहाँ तक काजी जी के बयान का सवाल है, तो अभी आपने देखा होगा कुछ दिनों पूर्व नुपुर शर्मा का एक बयान आया था, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी जी। अगर समय रहते भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन पर कार्रवाई कर देती तो शायद इस तरीके का मामला उत्पन्न ना होता। कार्रवाई तो कर दी, 6 साल के लिए हटा दिया, अब की है ना, जब सारा मामला खराब हो गया, पूरी फजीहत हो गई हमारे देश की। अब जो छोटे छोटे मुल्क हैं जरा जरा से बालिश भर के, वो हमसे कह रहे हैं माफ़ी मांगे, तो ये बड़ी शर्म की बात है। अगर ये कार्रवाई पहले की हो गई होती तो मैं समझता हूँ कि इतने मुल्क इस तरीके की भाषा ना बोलते, दूसरे ये काजी जी ने जो भाषा बोली है वो ना बोलते, तीसरी बात जो हिंसा हुई है को सही मानते हैं? नहीं, जो हिंसा हुई है, नहीं मैं ये कह रहा हूँ, आप इस भाषा को सही मानते हैं? क्या, कौन सी भाषा जो काजी साहब ने कही है? भाई भाषा से पहले भी आप तो आपको परिपेक्ष में जाइए, वो भी तो देखिए जाएगा। उन लोगों ने तो माफी मांगी, चिरकुट टाइप के लोग जो गुस्ताखियां करते हैं ये कहाँ का मतलब न्याय माफी मांगी पर? नहीं, माफी तो आप मांगी है ना, जब हालात सब पूरे खराब कर दिए। अगर इसको समय रहते कार्रवाई सरकार कर देती तो मैं समझता हूँ ये नौबत नहीं और कदापि नहीं आती। सवाल बड़ा ये है। अच्छा, ये जो कार्रवाई एक तरफा हो रही है ये आप लोगों को क्यों लग रहा है कि एक तरफा हो रही है? अच्छा, तो आप बताइए, सारे CCTV फुटेज मौजूद हैं, सारी वीडियो क्लिप्स मौजूद हैं कि छतों से भी पत्थर चल रहे हैं, पुलिस के साथ जो पीछे लोग खड़े हुए हैं वो बम भी चला रहे हैं, पत्थर भी चला रहे हैं। उसके बाद ठीक है, मुसलमानों ने पत्थर चला, हम इसको इनकार कतई नहीं करते,
लेकिन बड़ा सवाल यह है कि पत्थर चलाए क्यों, वो तो सिर्फ बाजार अपना विरोध दर्ज करा रहे थे। क्या संवैधानिक अधिकार नहीं है विरोध दर्ज कराना या बाजार कर पाना, या भारतीय जनता पार्टी के लोग या उसके फ्रंटल लोगों ने बाजार नहीं बंद कराया सरकार से पहले? जब सरकार पर नहीं थे तो तरह रोज बाजार बंद होते थे, हम लोग सब साथ रहते थे। ठीक है भाई, अगर जाति हो रही है और बाजार बंद होते थे, लेकिन अगर आज हम बाजार बंद कराने निकले हैं तो हम पर पथराव क्यों? और आपने देखा होगा वीडियो में, आपने स्वयं भी देखा होगा कि पुलिस वाले खुद खड़ी सड़क के ऊपर बाइकें लाठियों से तोड़ रहे हैं, उसके इंडिकेटर तोड़ रहे हैं, उसकी लाइटें तोड़ रहे हैं। ये बताइए, जब पुलिस एक तरफा कार्रवाई करेगी, क्या शासन या प्रशासन को ये नहीं दिख रहा है कि पत्थर दूसरे तरफ से भी चल रहे हैं? ठीक भाई, दंगा तो एक तरफ से तो होता नहीं है, दंगाई दोनों तरफ होते हैं, और जो दंगाई है वास्तव में उनके खिलाफ कार्रवाई हो अच्छी बात है, लेकिन ईमानदारी से हो, मेरा ये मानना है। ठीक है, नईम सिद्दीकी हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर है। नईम भाई, ये शहर के काजी साहब का एक बयान आया है और उसके बाद आपको नहीं लगता कि माहौल बिगड़ सकता है इस बयान को लेकर के? देखिए, जैसा कि कजी साहब का बयान आया, वो किस स्थिति में आया है और पूरी दुनिया उनको जो है मुसलमान अपना पैगंबर प्रॉफिट मानते हैं, और जिसके लिए कहते हैं कि हम लोग अगर हमारे ऊपर कुछ गाली दे, मेरे माँ बाप को गाली दे तो मुझे बर्दाश्त है, लेकिन कोई मेरे मोहम्मद को गाली दे तो ये बर्दाश्त नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है। और मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि जो 1975 ईयर्स में आजादी से लेके अब तक के किसी भी गवर्नमेंट में इतना बड़ा नहीं संकट आया है जो इन्हीं की गवर्नमेंट में संकट आया है, ठीक है। वो चाहे हमारे जितने भी इश्यूज हो, चाहे वो मतलब ये चाहिए मुस्लिम पर्सनल लॉ हो, चाहे CNRC हो, चाहे वो हमारे मतलब वही लिंचिंग का मामला हो, चाहे वो नकाब का मामला हो, चाहे वो किसी भी लेके देखे मुस्लिम इशू के ऊपर है, वो सारे इशू सिर्फ भाजपा की गवर्नमेंट में जब वो आती है जीत के, तो सारे इशू सिर्फ इन्हीं की गवर्नमेंट में आते हैं और लगातार मुसलमानों के ऊपर एक ना एक लेके, वो चाहे अभी जानेपी मस्जिद का चल रहा है मामला, इससे पहले बाबरी मस्जिद का चला। यानी आपकी जब गवर्नमेंट आती है तो हमारे वहां ये आता है कि सबसे पहली बात तो ये है कि जो भाजपा कि सरकार में सारी जो जो है निकल के आती है, सारी वो मुसलमानों के ऊपर सारा सारा एकदम इंडिकेट करते हैं, जो मुसलमानों को ही खाली बनाया जाता है निशाना। जैसे कि वहां पे देखा आपने कानपुर के अंदर की दो पक्ष, एक पक्ष जो था वो उसके लिए कह रहा था कि दुकानें बंद की जाए बड़े शालीनता पूर्वक, तो ये बताइए दूसरी तरफ से ये कैसे मतलब ये आया कि वो चल गए, पत्थरबाजी हुई। दो आप देख रहे हैं कि पुलिस भी उसमें, आप अपने उसमें कैमरे में देखिए कि पुलिस साथ है, और उधर भी दंगाई लोग जो है उसका डिफेंस कर रहे हैं और पत्थरबाजी भी चला रहे हैं, तो ये वन साइडेड नहीं है। और दूसरी बात ये है कि हमारे वहां आपको जैसे भी इसकी चर्चा कानपुर के जो हुई है वो सब विदेशों में जब फैली, जैसे कि 7 मुल्कों में फैल गई, जैसे दुबई है, ईरान है, सऊदी अरब है, दोहा है, कतार है, सऊदी अरब है, पाकिस्तान है, 6-7 कंट्रियों में पहुंच जाने के बाद में जब हमारा ये, और जबकि नायडू साहब हमारे उपराष्ट्रपति कतर में थे, जब वहां इन्होंने देखा कि ये हालात हो रहे, तो वहां के मुल्क के विदेश मंत्री ने देखा कि ये मामला कैसा है, तो उन्होंने इसके ऊपर बात की। एक घंटे के बाद में फोन आता है माननीय प्रधानमंत्री जी के पास में, मोदी जी के पास में, कि ये क्या हो रहा है भाई, यहाँ हमारा बड़ा शर्म से शर्म हो रहा है हमारा, और हमारे देश का जो है मनोबल बहुत नीचे गिरता चला जा रहा है। तो ये हमें कहीं से ये लगता है कि जो 75 साल की आजादी में कभी नहीं हुआ हमारे देश का मामला, आज हमारे देश के अंदर इतनी थू-थू हो रही विदेशों में जो कभी नहीं हुई किसी की गवर्नमेंट में, नहीं हुई। ठीक है, ठीक है, ठीक है। विवेक श्रीवास्तव जी हमारे साथ बीजेपी से हैं। विवेक जी, संकट आया है, नईम सिद्दीकी बता रहे हैं, और ऐसा संकट आप लोगों की सरकार में ही आ रहा है, ऐसा क्यों? कौन सा ऐसा संकट है जिस संकट से परेशान है, जिस संकट का जिक्र कर रहे हैं? और बयान आपने सुना भी होगा, उस बयान को लेकर के भी आमिर साहब भी कह रहे हैं कि बयान अगर पहले नहीं आता तो ये वाला बयान ना आता। देखिए, नूपुर शर्मा जी के बयान पे उन्होंने भी अपना स्पष्टीकरण दे दिया, और पार्टी ने जिस पत्र में उनके ऊपर कार्रवाई की है उसमें भी ये बता दिया है कि हम ऐसे किसी भी संप्रदाय, सुन लीजिए नहीं भाई, संप्रदाय के भावनाओं को आहत करने वाले वक्तव्य का समर्थन नहीं करते, और उसी के बाबत पार्टी के प्रवक्ताओं को एक गाइडलाइन भी जारी हुई है और तमाम चीजें उसमें हैं। तो इसके बाद इस तरह की जो बातें चाहे नईम साहब कह रहे हैं चाहे साबरी साहब कह रहे हैं वो बेबुनियाद हैं। अभी साबरी साहब ने कहा कि विरोध का तरीका है ये, विरोध के तरीके में डेमोक्रेटिक मुल्क में मुझे तो नहीं लगता कि पत्थर चलाने की कहीं अनुमति है, तरीके बढ़ते जाएंगे इसी तरह से। और अब उसके ऊपर जब कार्रवाई होती तब भी हाय तोबा है, तो ये सब चीज़ें, अगर आपने पत्थर चलाया तो फिर कार्रवाई के लिए भी तैयार रही है, तो
तो कार्रवाई हो रही है। अब अगर कार्रवाई से भी दिक्कत है, काजी साहब का भी बयान आ रहा है, एक तरफ तो आप कहेंगे साहब ये सेकुलर मुल्क है, सेकुलर मुल्क में काजी साहब कहाँ से आ जाते हैं? अब मैं तो नहीं समझ पाता कि सेकुलर मुल्क में काजी साहब का कोई पद होता है। तो ये सब तमाम चीज़ें हैं जिससे जिस अंतर्द्वंद से ये लोग गुजर रहे हैं, ये सोशल रिफॉर्म के खिलाफ हैं। इनको तीन तलाक पे बिल आया, कानून बना, उससे दिक्कत थी, CAA आया उस पर इनको दिक्कत थी। तो इनको तमाम ऐसी चीज़ों से दिक्कतें हैं जिनका इनसे कोई वास्ता नहीं, जो जिससे इनका इनका जो सामाजिक ताना बाना अगर वो सुधरना भी है तो उसको भी रिफॉर्म कोई अपने अंदर नहीं आने देना चाहते, इनकी समस्या है। फिलहाल देश संविधान से चलेगा और देश के संविधान के तहत किसी को भी किसी की भी सांप्रदायिक भावनाओं को आहत करने की इजाज़त नहीं है। अगर ये नुपुर शर्मा जी के ऊपर लागू होता है तो ये सामने वाले लोगों के ऊपर भी लागू होता है कि वो भी इस लक्ष्मण रेखा का पालन करें। ठीक है, ये दोनों से अपेक्षा की जाती है और उसी के हिसाब से सबको चलना चाहिए। जी ठीक ठीक है। गजेंद्र त्रिपाठी हमारे साथ स्वर्ण महासंघ से। गजेंद्र जी, आपने नईम भाई की बात सुनी, साबरी साहब की बात सुनी और उसके पहले आपने बयान भी सुना, क्या क्या हो रहा है कानपुर के मामले में वो भी आपने देखा है, आप जान भी रहे हैं, क्या कहना है? देखिए, दो चीज़ें हैं। निश्चित तौर से हमारे देश में संविधान है और संविधान अपना कार्य करेगा। यदि मोहम्मद साहब के खिलाफ किसी ने कोई बात कही या भगवान श्री राम के खिलाफ कोई बात कही या हमारे देवी देवता के खिलाफ कोई बात कही, उस पर संविधान के दायरे में कार्रवाई होनी चाहिए। MF हुसैन उसी कतर का नागरिक है आज, जो यहाँ मर चुके हैं, वही नागरिक था, दिया, का, दिया था कतर ने नागरिक जो था। देवी दुर्गा पर आपत्तिजनक यहाँ पे पोस्टर बनाया और जब उस पर कार्रवाई की बात आई तो वहां जाकर के नागरिकता ग्रहण की। तो कतर जैसे देश का जो बात हो रही है कि प्रेशर है भारत पर, देखिए प्रेशर हमारे देश में हमारे लोगों के साथ है। हम अगर अपने समाज में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जी हम चारों लोग रहते हैं और हम अपने अपने देवताओं के ऊपर आपत्तिजनक बातों को कहते रहेंगे तो हम लोग आहत होते हैं और जब हम लोग आहत होते हैं तो यह पीड़ा समाज की पीड़ा होती है। इस पीड़ा को किसी को किसी के प्रति आहत करने से पहले समझना चाहिए कि इससे जो आने वाला कल है वो बहुत खतरनाक मोड़ लेगा। नहीं ये नहीं, अब आमिर साबरी साहब कह रहे थे कि पहले वाला बयान ना आता तो ये नहीं, दूसरा मैं क्या बात कर रहा हूं, मैं वही बात आ रहा हूं आपसे ना, मैं कह रहा हूं कि मोहम्मद साहब के ऊपर इस तरीके के आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग ही क्यों किया गया, ये तो वो वाली बात हो गई। अच्छी बात की आपने। जो बात पहले MF हुसैन ने किया था उसकी ही पुनरावृत्ति हो गई है। तो नितिन जी, हम इसका जवाब देना चाहते हैं। गलत, देखिए गलत कोई चीज है उसको गलत इस देश में कहना पड़ेगा कि हाँ गलत है। ठीक है, और जहां तक मैटर है कानपुर का, कानपुर में जुम्मे की नमाज हो रही है, जुम्मे की नमाज के बाद आप इस स्थिति में आ जाते हैं कि आप चाहते हैं मार्केट को बंद कराना। भाई मार्केट को बंद कराने के लिए इस देश में नियम है, कानून है, व्यवस्था है, आप नहीं हो। आप कोई, आपके पास कोई एडमिनिस्ट्रेटिव लेकर के पावर नहीं है और इसके लिए आपको पहले सूचना देनी होती है। अगर बाजार बंद की अगर है तो आपको पहले बाजार बंद कराने के लिए हमारे यहाँ व्यवस्था है, हमारे यहाँ कमेटियां हैं, उनसे संपर्क होता है और संपर्क करके भाई फला मुद्दे पे मुझे ऑब्जेक्शन है, सरकार को दिखाना है तो यहाँ पर बंद करना है। ठीक है, उस पर हम आ जाते हैं तुरंत कि अब हम रोड पे आते हैं, जबरदस्ती दुकानों को बंद कराते हैं। और मुख्य मुद्दा क्या है? मुद्दा यही नहीं है, महामहिम उस समय कानपुर में थे, माननीय प्रधानमंत्री जी कानपुर में थे, माननीय मुख्यमंत्री जी कानपुर में थे, तमाम वहां पर मिनिस्ट्री कानपुर में थी। चूंकि नुपुर शर्मा का मैटर पूरे देश में है तो वह यह हालात कानपुर के हालात दिल्ली में नहीं हुए, मुंबई में नहीं हुए, लखनऊ में नहीं हुए, हमारे वाराणसी में नहीं हुए, ये कोलकाता में नहीं हुए, गोवा में नहीं हुए, भाई कानपुर में क्यों हुए? क्योंकि वहां पर उन्होंने देखा कि महामहिम है, वहां पर सारी मीडिया सारा फोकस वहां पर है,
इसलिए यह दंगा जानबूझ के कराया। ठीक है, ठीक है। मीसम जैदी हमारे साथ समाजवादी पार्टी से हैं। मीसम भाई, ये नईम सिद्दीकी साहब कह रहे हैं कि मुसलमानों के ऊपर एक संकट आया हुआ है और संकट बीजेपी की सरकार में भी आया, बीजेपी की सरकार में ही आया है। कई चीज़ें उन्होंने गिनाई, उन्होंने CNRC भी गिना दिया, कई चीज़ें गिना डाली। आपको क्या लगता है कि ये जो कार्रवाइयाँ हो रही है, ये एक तरफा कार्रवाइयाँ हो रही है, ये कार्रवाई सही है? चलता है शरीयत का मामला, इसमें दखल अंदाजी की जरूरत नहीं। आप कभी बहुत से मंदिरों के अंदर महिलाओं को प्रवेश नहीं किया जाता है, तो सब मुसलमान अगर कोई आदमी करे उसमें कानून बनाए तो आप उसका विरोध साहिर की बातें करें, लेकिन धर्म में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। आपको देश संविधान से चलाना है, सबका ख्याल रखना है, तो आपको उस पैटर्न पर रखना है। आपको किसी पार्टी और किसी पंडित के उसमें धर्म में हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। और रही बात मुसलमानों की, तो दरअसल शपथ तो ये है कि आज देश में भाजपा सरकार में मुसलमान खुद अपने आप एक मुद्दा बन गया और मुसलमान जो है वो खुद एक आपत्ति हो गया। तो कानून को आपत्ति छोड़ी है, मुसलमानों को जो आपत्ति होती है वो छोड़िए। आज की डेट में भारत के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमान रहना ही एक आपत्ति हो गई। अच्छा, देखिए मुसलमान और हिंदू की बात जब होती है तो ये एक धर्म की बात होती है। हम ये कहते हैं कि आखिर आप देखो 2014 से पहले जो मूवी बनती थी वो अकबर और जोधा भाई पर बनती, 2014 के बाद मिशन तकमील बनता है। तो ये क्या मैसेज कहना चाह रहे हैं? आपने देखा होगा एंड में हिंदू और मुसलमान एक दूसरे का हाथ पकड़ के गाना गा रहे हैं, एक दूसरे का साथ देने की बात कर रहे हैं, इसके समाज में जो है वो भाईचारा फैलने की बात हो रही है। और मिशन कश्मीर तरह की फिल्मों में अंत तक आप देख रहे हैं किस तरह से बांट करके डिवाइडेड रूल कर दिया, अंत तक उस मूवी के अंदर किसी भी तरह का किसी मुसलमान का कैरेक्टर दिखाया ही नहीं। और ऐसे ही मुसलमान का कैरेक्टर है तो आज सदियों से मुसलमान साथ रहता आ रहा है और साथ रहेगा और साथ रहता रहेगा। और यहाँ पर उसकी वजह है हमारी रहने की, जो हमारे अभी आपने सुनने से पहले भी हमारे जो बैठे हैं हमारे बड़े भाई हैं, इनकी वजह से यहाँ पर मुसलमान रह रहा है, ऐसे हिंदुओं की वजह से रह रहा है, तो सच बोलने का साहस दिखाते हैं और वो कहीं ना कहीं सच के साथ खड़े होते हैं। फिर अगर मैं ये दोहराऊंगा कि हिंदू और मुसलमान के साथ, तो फिर वो इस तरह का जो है धार्मिक उन्माद और इस तरह से पक्षपात की बात होगी। सच की बात करिए और सच के साथ खड़े होंगे। और रही बात कहीं ना कहीं, देखिए मैं सीमेंट पार्क की से बात कहना चाहता हूँ कि हो सकता है कि वहां पर वो किसी तरह का एजिटेशन करके नहीं गिरते, हो सकता हो कि वो बैठ करके एक नॉर्मल तरीके से संविधान के तहत बैठ करके काम की पूरे प्रदर्शन करने गए हो। उसकी भीड़ की कोई शक्ल नहीं होती है, मौत का कोई चेहरा नहीं होता, हो सकता है उसमें अराजक तत्व शामिल हो गए। अब उसको तो ये भी कहा जा सकता है कि कुछ घर से भी आ गए भारतीय जनता पार्टी के, या कुछ वो चेहरे शामिल हो गए। चलिए हटाइए भाजपा की डालीं, सपा की, ठीक है ठीक है ठीक है। मिसम भाई मैं आता हूँ आपके पास। अनुराग त्रिपाठी हमारे साथ, भाईचारे को खत्म करना चाहते हो, उसकी वजह से हो सकता हो कि भीड़ जो है वो क्या कहते हैं कानून अपना हाथ में ले लिया और उसमें ईटाबाजी होने लगा, पत्थरबाजी होने लगा। क्योंकि अगर ऐसा होता तो कोई हिंदू मुसलमान नहीं जानता है, कानपुर जनता कुछ जानती हो गई। और जो अभी देवेंद्र पांडे जी ने कहा, पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे भारत में कहीं कोई बात नहीं हुई, क्योंकि हम सब दिल के साथ रहना चाहते हैं। ठीक है सर, ठीक है मैं आता हूँ आपके पास। अनुराग त्रिपाठी हमारे साथ समाज से भी है। अनुराग भाई, हिंदू मामलों को लेकर के आप लोग भी लगातार सजग रहते हैं, हिंदू धर्म को लेकर के सजग रहते हैं, इस कानपुर के मामले में जो कार्रवाइयां हो रही हैं, क्या आपको लगता है कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है? नितिन भाई जी, कहते हैं कि हम आ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। जिस तरीके से आज आपको याद होगा कि हमने अभी राम मंदिर का मुद्दा खत्म हुआ है माननीय सुप्रीम कोर्ट से निर्णय के बाद, भव्य राम मंदिर बन रहा है हमारे यहाँ। तो जिस तरीके से 500 वर्षों तक हमने राम मंदिर की प्रतीक्षा की, हम कोर्ट गए, हम लोअर कोर्ट, सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट और उच्चतम न्यायालय तक पहुंचे, फिर 350 वर्षों से हम काशी का मामला जो है वो उसको हम देख रहे हैं, वो विवादों में है, मथुरा हमारी विवादों में है, फिर भी हम एक कोर्ट का रास्ता अपना रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से मैं देख रहा था, अभी नुपुर शर्मा की बात हो रही थी, मौलाना साहब कर रहे थे, नुपुर शर्मा ने एक्शन का रिएक्शन दिया,
वो पूरी डिबेट में देख रहा था, उस पूरी डिबेट में मैं वहां साथ में था। अच्छा। उन्होंने एक्शन का रिएक्शन दिया और ऐसी कोई बातें नहीं बोली उन्होंने कि जो इनके कुरान में या हदीस में ना लिखी हो। और मैं तो चाहता हूँ कि नुपुर शर्मा को अदालत बुलाए, मैं चाहता हूँ कि नुपुर शर्मा को अदालत बुलाए ताकि वो किताबें भी खुलेंगी जिस पर उन्होंने बोला बात की है। हाँ। और सब पूरी दुनिया के सामने आएगा। अब तो आप कह रहे हो कुछ नहीं बोला, साबरी साहब कह रहे हैं कि बहुत कुछ बोला था। नहीं नहीं, साबरी साहब बताए ना उन्होंने क्या बोला। नुपुर शर्मा तो हदीसों को कोट कर रही थी ना। अब या तो अगर या तो फिर हदीसें गलत है या तो नुपुर शर्मा गलत है, अभी साबरी साहब तय कर लेना। अनुराग जी, आपने कितनी हदीसें पढ़ी है जरा बताएंगे आप? आपने कितनी हदीसें पढ़ी है, कितना कुरान पढ़ा है? नहीं नहीं, मैंने नहीं, आधी अधूरी बात आप लोग करते हैं तो आधार पर कर जाते हैं। आप सुनिए अनुराग जी, सुनिए अनुराग जी, सुनिए। मैंने आधे घंटे तक। हाँ अनुराग भाई बोलिए, बोल लीजिए आप बोल लीजिए। तो मैं अपनी बात पूरी कर लीजिए, पूरी करिए। हम ये कह रहे हैं कि जो ये लोग कह रहे हैं कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है, जो कहां से एक तरफा कार्रवाई हो रही है, बुलडोजर के ऊपर भी आरोप लगाते थे। मैं आपको एक आंकड़ा दे रहा हूं 2017 से 22 तक में कि 2017 से 22 में जितने बुलडोजर चले हैं उसमें से 37% मुसलमान है और 63% हिंदुओं के ऊपर बुलडोजर चलाए गए, वो चाहे जो माफिया हो। तो धर्म देख के कोई कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन इस पे कोई नहीं बोलेगा, इस पे इनके मुंह में दही जम जाता है। जिस तरीके से ये लोग, देखिए आप एक क्रोनोलॉजी चल रही है ये। अच्छा। दिल्ली का दंगा हुआ तो उसमें जो है कपिल मिश्रा को आगे कर दिया गया, एक बहाना बना दिया गया। आपको मैं यहाँ पे, आप किसी वकील से बात करेगा, यहाँ पे लोग होंगे लॉ के जानकार होंगे, जो प्रोवोकेशन होता है, ये लोग कह रहे हैं प्रोवोकेशन क्या गया, खुद वकील है। जी जी, जो प्रोवोकेशन होता है, प्रोवोकेशन में तैयारी की जरूरत नहीं होती है। जिस तरीके से पेट्रोल बम की तैयारी की गई, जिस तरीके से ठेले पर पत्थर भर के लाए गए, जिस तरीके से देखा गया कि जैसे वहां पे दिल्ली में वहां राष्ट्रपति आए हुए थे तो उस समय दिल्ली का माहौल और देश का माहौल खराब किया गया, देश के ऊपर लांछन लगाने का प्रयास किया गया, उसी तरह दिल्ली में जब प्रधानमंत्री जी, महामहिम जी, सब लोग वहां पर उपस्थित हुए हैं और उसके बाद इस तरीके की हरकतें की जाती है, जबकि पुलिस के द्वारा बातचीत करके इन लोगों को डेट आगे एक्सटेंड करवाई गई थी, कार्यक्रम को पोस्टपोन करवाया गया था, और उसके बाद भी ये लोग पत्थरबाजी करते हैं, देश को बदनाम करने का तरीका अपनाते हैं और आज अरब देशों पे बहुत उछल रहे हैं ये लोग। किस तरह से अरब देशों को उछल रहे हैं, वो देश जो एमएस हुसैन को हिंदू देवी देवताओं के नग्न चित्र बनाने के लिए जो है अपनी देश की नागरिकता प्रदान कर देता है, उसके आज वो हमारे देश से जितने देश लगातार खड़े हुए हैं यहाँ पे अल्पसंख्यकों के लिए, नितिन जी आप एक देश हमको, ये कादरी साहब, साबरी साहब कोई भी बता दें, ठीक है? ठीक, मैं जवाब लेता हूँ। हाँ साबरी साहब क्या कह रहे थे आप? देखिये नितिन जी, जैसा की हमारे गजेंद्र त्रिपाठी जी ने कहा के एम एफ हुसैन का नाम लिया, पहली बात तो हम बड़े अफसोस की बात है कि ये मुर्दोही पे क्यों राजनीति कर रहे हैं। औरंगजेब खत्म हो गया, बाबर खत्म हो गया, अब जाके एम एफ हुसैन आ गए। और एम एफ हुसैन ने कौन से चित्र बनाए थे आपको मैं बता दूं कि जो खजुराही की गुफा में जो चित्र हैं उसी की उन्होंने कॉपी की थी, अपनी तरफ से उन्होंने कोई चित्र नहीं बनाए थे, ये हमारे गजेंद्र भाई साहब बहुत अच्छी तरह जानते होंगे। दूसरी बात, अभी विवेक भाई ने एक बात कही थी कानपुर दंगे को लेकर के, तो मैं जैसे त्रिपाठी जी बोले थे, अनुराग जी कानपुर दंगे को लेकर के, तो वीडियो कई तरीके के मौजूद हैं और सीसीटीवी फुटेज में कैद भी है। एक तरफ से पत्थर भी चल रहे हैं, पुलिस के पीछे से एक आदमी पत्थर भी चला रहा है, पेट्रोल बम भी चला रहा है, ये सबने देखा। दूसरी बात, आज तक इतिहास में जब से देश आजाद हुआ है आज तक कोई एक क्लिप मुझे आप दिखा दीजिए या कोई घटना बता दीजिए कि जुमे की नमाज या ईद की नमाज या बकरीद की नमाज पढ़ने लोग पत्थर और बम लेके जाते हूँ। ठीक है अनुराग त्रिपाठी, अनुराग त्रिपाठी आ रहा हूँ विवेक जी। आ नितिन जी मैं जवाब देना चाहता हूँ, जल्दी से बोलिए फिर विवेक जी के पास चलेंगे। हाँ, जिस कह रहे हैं कि जुमे की नमाज के बाद जितने देश में दंगे हुए, अभी हाल के दंगे उठा के देख लीजिए, सब जुमे की नमाज के बाद। और अगर ये कह रहे हैं, अरे सुनिए अनुराग जी, वो इसलिए हुए हैं कि जब अराजक तत्व पे पथराव कर लेते हैं तो इस देश का चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, समाज ये सोचेगा कि मैं मंदिर पूजा करने जा रहा हूँ, लेकिन मैं मंदिर पत्थर चलाने जा रहा हूँ या ऐसी कौन सी तकरीरें होती है मस्जिद में कि जिसके बाद जुम्मे की नमाज के बाद अगर 26 को नुपुर शर्मा ने कुछ बोला उस पे तो 27 को वो था, 27 को ये लोग अपना विरोध प्रदर्शन दिखा सकते थे, 27 को जुम्मा था, लेकिन इनको पूरी प्लानिंग की तैयारी करनी थी, पूरी प्लानिंग करनी थी। आइए नमाज में, बड़े देश के
मुख्यमंत्री और राज्यपाल ठीक है अनुराग ठीक शहर में है तब उसको ठीक अनुराग ठीक है ठीक ठीक है ठीक ठीक विवेक श्रीवास्तव जी बोलिए। मुसावरी साहब की इस बात को स्पष्ट कर दूं, जम्मू कश्मीर में जितने भी पत्थरबाजी की घटनाएं होती सब जुमे की नमाज के बाद उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर में कहां पहुंचे आप भाई? देश की बात विवेक जी, वो भी देश का हिस्सा है। नहीं बिल्कुल देश का हिस्सा है, लेकिन उधर भी तो दूसरे मामले, फिर बहुत सारे मामले उखड़े हैं उसमें। नहीं नहीं अनुराग जी की बात से मैं सहमत हूं कि ऐसा क्या होता जुमे की नमाज में कुछ तो कहते हैं। आप आइए, मोस्ट वेलकम, आप जुमे की नमाज में आइए हमारे ना, देखिए क्या तकलीफ होती है। हम आपको दावत दे रहे हैं, आप जुमे में आइए, बड़े इमामबाड़े में आइए या अन्य जिस मस्जिद में आपका दिल चाहे आप आइए, स्वागत है आपका, और आके देखिए क्या तकरीर होती है। अगर आपको लगे मुल्क की सलामती की दुआ मांगी जाती है, मुल्क में अमन शांति के लिए दुआ मांगी जाती है, ठीक है ठीक है साबरी साहब बोलने दीजिए। हां विवेक जी, देखिए नितिन जी है क्या, जो दृश्य दिख रहा है उस दृश्य के बाद अब आप किसी से अपेक्षा करेंगे कि वो आवे आपकी जुमे की नमाज में देखे कि आप क्या तकरीर कर रहे हैं, तो बहुत बुरी बात है। आप पहले अपने जो इन लोग हैं इनका आचरण सुधरवाइए। जिस तरह का दृश्य आप पूरे देश में दिखा रहे हैं या जहाँ भी देखा जा रहा है, अभी कतर पे बहुत तीखा प्रतिवाद इन्होंने किया, पाकिस्तान ने तो दाऊद को शरण दे रखी है, उसमें भी आप फूले नहीं समा रहे, साफ पाकिस्तान ने विरोध किया। ये ऐसे मुल्कों से जो आप अपनी अट्रैक्शन दिखा रहे हैं, ये आपकी मानसिकता को क्या बता रहा है? आप कहाँ ले जा रहे हैं? अगर नूपुर शर्मा ने कोई ऐसा विषय बोला था तो उसको आप कानून के दायरे में उस पर कंप्लेंट करते, कानून के दायरे में उस पर कार्रवाई होती। आप खूब जानते हैं कि भारत में संविधान से शासन चलता है, उस पर होती। उसमें आप लोग इस तरह से धरना प्रदर्शन पत्थरबाजी और चंद्रशेखर हाथे का घेराव, चंद्रशेखर हाथे के लोग जा रहे हैं, संदेह व्यक्त कर रहे हैं पुलिस पे, पुलिस वाले आपसे बात कर रहे हैं और बताया जा रहा है कि साहब राष्ट्रपति आ रहे हैं, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, आप अपना प्रदर्शन का डेट टाल लीजिए। उसके बावजूद इस तरह की घटना जो अंजाम दी गई, ये अच्छी बात नहीं है। ये कहीं ना कहीं देश की छवि को धूमिल करने की कोशिश है। देश संविधान से चलेगा, ये सबको मालूम होना चाहिए, और देश संविधान से ही चलेगा, ये देश शरीयत से नहीं चलेगा। और जैसा कि अभी अनुराग जी ने कहा कि वास्तव में जुमे की नमाज में ऐसा क्या होता है कि उसके बाद पत्थरबाजी शुरू हो जाती है, तो ये वास्तव में ये गंभीर चर्चा का विषय है, इस पर सबको विचार करना चाहिए और समाज के लोगों को अपने सोशल रिफॉर्म के बारे में भी चिंतन करना चाहिए कि ऐसा क्या है। आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ, ठीक है। नईम सिद्दीकी क्या कह रहे हैं? मैं ये कहने मतलब है, जैसे अभी इन्होंने एलिगेशन लगाया विवेक जी ने कि इनके ट्राइबल में अक्सर ये हुआ करता है, तो मैं ये पूछता हूँ कि रामनवमी में अभी जो पिछले कुछ ही दिन को वाकया है, तो क्या उसमें क्या हमारे लोगों ने तो साहब कई जगह पर मतलब फूल भी बांटे, पानी भी बिस्लेरी की बोतलें दी, तो आप ये बताइए एक हमारे जुमे में आपसे क्या मतलब पानी का क्या लगवाया? अरे हम तो आपके लिए तो हर कहीं आपके लिए वेलकम करते हैं, और प्रधानमंत्री क्या राष्ट्रपति को जितना हम लोग भी चाहते हैं, आप क्या कम हमारे उसके ऊपर रखते हैं? क्या संविधान को आप मानते हैं या संविधान आपको आप ही से चलता है? संविधान की मैं भी मानता हूँ, सबसे ज्यादा संविधान को मानने वाला मैं भी हूँ, कि आपके सामने तारीख लिखी हुई है कि बाबरी मस्जिद को जिस तरीके से आया, इन लोगों के सारे पूर्वजों ने कहा, और जबकि पंडित लोगों ने भी कहा कि मैं अगर सुप्रीम कोर्ट का भी कुछ आएगा, अगर बाबरी मस्जिद वो ढांचे के ऊपर आएगा, अगर मेरे राम मंदिर के खिलाफ आएगा, तो मैं उसको नहीं मानूंगा, लेकिन मेरे सारे उलमा मतलब जो चाहिए पर्सनल लॉ बोर्ड सारे मतलब जितने थी तंजीम में, सबने कहा कि हमको सुप्रीम कोर्ट का जो है हमें मानना होगा, और आज तक के हम लोग उसको मानते चले आ रहे हैं। हमारा सर्वोपरि है, हम संविधान की रक्षा करते हैं और करते रहेंगे, हमारा सबसे। लेकिन मैं आपसे फिर कहता हूँ, अभी गजेंद्र भाई ने कहा था कि एक शख्स ने कि यहाँ उसकी मूर्ति बनाई और उसका जो गलत तरीके से उसका उच्चारण किया गया और कतर में नेशनलिटी मिल गई। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने भी तो तस्लीमा नसरीन को जो है लाके इंडिया में नेशनलिटी दी गई, उसको भी तो बांग्लादेश से निकाला गया था, उसने भी तो मेरे मोहम्मद साहब के ऊपर गलत वाणी की थी, तो आप उसको आप दे रहे हैं, आप किसी को नेशनलिटी दे रहे हैं गलत आदमी की, तो आपके लिए सही है। अगर आप कोई दूसरा कर रहा है, मेरा कतर से कोई नहीं वास्ता, ठीक है। नहीं भाई जवाब ले, मुझे हिंदुस्तान से वास्ता, ठीक जवाब ले। गजेंद्र जी कुछ कह रहे हैं? हाँ आ रहा हूँ, इसके बाद आ रहा हूँ। सबसे पहले नागरिकता किसको मिली? एमएफ हुसैन को। तो गलती वहां से प्रारंभ हुई, गलती किया किसने? एमएफ हुसैन ने। अगर मुस्लिम समाज, बौद्धिक समाज देश के साथ में उसी समय खड़ा हो गया होता कि इसको तुरंत निकालो, ये हमारे देश के लायक नहीं है,
तो आज हम आपके साथ आपकी बातों से सहमत होते, असहमति वहां पर हो जाती है हमारे आपके बीच में जब हम आप एक तरफ संविधान की बात करते हैं। अगर नुपुर शर्मा ने कोई बात कही तो संविधान के दायरे में इस देश में कानून है, वह कानून अपना कार्य करेगा। आप FIR कराए हैं, कोर्ट जो निर्णय लेगी उनको जेल जाना होगा, वो जेल जाएंगे। लेकिन वही कानून ये कानपुर में उपद्रव जितने करने वाले हैं इनके ऊपर भी लागू हो रही है। और मुद्दा वहां केवल कानपुर में यही नहीं है, शत्रु संपत्ति पे जो वहां पे कार्रवाई लगातार हो रही है उनका मूल्यांकन आगणन प्रारंभ कर दिया गया है। यह समस्या है वहां की, मूल समस्या वहां की यह है। मुसलमान केवल कानपुर में थोड़े ना है, हमारे देश में हर राज्य में हर डिस्ट्रिक्ट में मुसलमान है। वह दंगा नहीं किया है, रोड पे नहीं आया है, वह जानता है कि कानून का राज्य है, कानून अपना कार्य कर रहा है और करेगा। हमें आपको किसी की तफदारी करने की जरूरत नहीं है, जो गलत है वो गलत है। ठीक है साबरी साहब, कुछ कह रहे हैं, दंगा करने वाला भी गलत है और मोहम्मद साहब को अपशब्द कहने वाला भी गलत है। साबरी साहब ये दोनों बात हम लोग सुन लीजिए सर। साबरी साहब तो ये समझिए कि तस्लीमा नसरीन का पहले का मामला है, MF हुसैन का बात का है, आप अपनी नॉलेज में इजाफा कर लीजिए। दूसरी बात, जैसा कि आपने बताया अभी, तो हम एक बात आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि इस देश में क्या संदेश देना चाह रही है सरकार दो कानून के। एक आदमी एक मैसेज देता है कि RSS का कार्ड उड़ा देंगे, वो यहाँ से तमिलनाडु में अरेस्ट कर लिया जाता है। आज की नई ताजी बात यह है कि पुष्कर राय, एक भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, आज भी उसने बदतमीजी करी है मोहम्मद साहब की शान में, गुस्तागी करी है। आप हमें यह बता दिए कि हिंदुस्तान में हमने श्री राम जी को इमामुल हिंद कहा है, किसने कहा है? डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने, और हम लोग सब इमामुल हिंद मानते हैं कि हिंद के इमाम। आज तक किसी मुसलमान ने श्री कृष्ण जी के खिलाफ, शिव जी के खिलाफ, श्री राम जी के खिलाफ कोई अपशब्द नहीं बोले। लेकिन हमें हैरत है कि जब तब ये तुच्छ मानसिकता के लोग अपनी सस्ती शोहरत पाने के लिए जब तब मोहम्मद साहब की शान में गुस्ताखी करती है सरकार। मैं इस सरकार को ही नहीं कह रहा हूँ, पूर्व में भी सरकार ऐसी रही है जिन्होंने कार्रवाई नहीं की। विवेक जी क्या कह रहे हैं? विवेक, देखिए साबरी साहब के ज्ञानवर्धन के लिए मैं बता दूं, नूपुर शर्मा जी का जिस डिबेट में बयान आया है उस डिबेट में ज्ञान व्यापी पे चर्चा हो रही थी। विषय ये है कि वो शिवलिंग है वहाँ पे आप वजू कर रहे हैं और ये रोका जा रहा है, तो आप उस पर बेहयाई से कह रहे साहब हमारी मस्जिद आदम जमाने से है। वहाँ पे ज्ञान और व्यापी दोनों का इस्लाम से कोई रिश्ता नहीं है, इन शब्दों का इस्लाम से ही रिश्ता है सबसे बड़ा इस्लाम का भाई। ज्ञान शब्द ना उर्दू से आता है, ना अरबी से आता है, ना फारसी से आता है। पढ़ लीजिए थोड़ा सा, पढ़ लीजिए फिर। ठीक है साहब पढ़ा दीजिए, हम भी पढ़ेंगे। पढ़ा दीजिए, ज्ञान व्यापी का मतलब क्या होता है पढ़ा दीजिए संस्कृत। नहीं अभी हम बताएंगे आपको, यहाँ भी शिवालय मस्जिद है, ये हमारे देश की संस्कृति थी, हमारी गंगा जमुनी तहजीब थी, जो हिंदुओं के नाम पे भी मुसलमान रखे। अभी ये हुसैनगंज में शिवालय मस्जिद है, सुनिए, लखनऊ के अंदर उसका नाम है शिवालय। विषय कहाँ है, हम लोग हैं, विषय क्या है, बात चल रही है तो मैं कह रहा हूँ, बात विषय की नहीं है। विषय तो ज्ञान व्यापी में था, मुसलमान ने बदतमीजी करी भाई। ठीक है साहब, ठीक है साहब, पार्टी ने उस पर कार्रवाई की, तमाम जगहों पर उनके ऊपर मुकदमे कायम हुए, उसका डिस्पोजल न्यायपालिका जैसे करना चाहती करेगी। उसमें पत्थरबाजी जैसी घटना का औचित्य क्या है? तो जिन लोगों ने पत्थर हटाया उनके ऊपर भी कानून है, वो काम कर रहा है। अब दर्द किस बात का है? संविधान है, अपना काम कर रहा है, और आप उससे ज़्यादा बुरा करके बैठे हैं। शिवलिंग पे वजू कर रहे थे, ये तो बहुसंख्यक समाज है, उदारवादी समाज है, जो इस घटना को बर्दाश्त किए हुए हैं। इस पर कोई अभी तक प्रतिक्रिया नहीं आई, लोग न्यायालय की तरफ उम्मीदों से देख रहे हैं कि न्यायालय से कुछ सकारात्मक फैसले आएंगे, उसकी भी प्रतीक्षा कर रही है। तो ये सब सारी चीज़ें अगर इसको पूरे परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो इससे बहुत बुरा करके तो आप बैठे हुए हैं। राम जन्मभूमि का विषय है, पूरा दुनिया जानती किस तरह से वहाँ मंदिर तोड़ा गया। आ जाइए बाब ज्ञान व्यापी पे,
सामने दिख रहा है नंदी बैठे हुए हैं, नंदी किसके तरफ मुंह करके बैठते हैं, सारे पुराणों में वर्णन सब लोग जानते हैं। उस पर आप कहने साहब यहाँ मस्जिद थी तो अनंत काल से मस्जिद है, कोई औचित्य नहीं वहाँ मस्जिद होने का। इसी तरीके से मथुरा में चले जाइए, दीवाले बता देंगे कि यहाँ क्या था। कुतुब मीनार में दीवाले बता रही है कि यहाँ क्या था। जो हमारा एक्ट है क्या वो काफी नहीं है इनके लिए? नईम साहब आप 47 से जो भी इसके नईम साहब आप अधिवक्ता हैं, जी जी बिल्कुल आपकी जानकारी के लिए बता दूं। नवीन साहब संविधान की सबसे पहले आप जो कह रहे हैं अभी आप ये ना कहिए कि वहाँ पे वो जो खाने पीतने दिन से चले आ रहे हैं। आपने कोर्ट में सुन लीजिए आपने कोर्ट में जब आपकी चल रही है सुनवाई तो आ जाने दीजिए ना, अभी दूध का दूध पानी हो जाएगा। परेशानी ना होइए। आप ये बताएं आप बार बार सुनिए अखंडता को आप कायम रखिए, कोर्ट का इंतजार नहीं करेंगे तो पत्थर चलाएंगे, इसमें कोर्ट का इंतजार कर लीजिए। सुनिए इसमें कोर्ट का इंतजार नहीं करेंगे। आपने सामान्य बात कही, आप एडवोकेट हैं, मेरी एक लाइन सुन लीजिए। आप एक लाइन सुन लीजिए। नहीं भाई प्लीज, नहीं भाई आपकी बात आ गई, मेरी बात आ गई। विवेक नईम भाई आप अधिवक्ता हैं, 1991 के वर्शिप एक्ट में ही अपवाद की व्यवस्था है कि जो प्रतीक 100 वर्ष से ऊपर हैं वो इस दायरे में नहीं आएंगे। अगर ना पढ़े हो तो उस एक्ट को फिर से पढ़ ले, नहीं कॉपी मैं भेजवा दूंगा। रुक जाइए, रुक जाइए। ज्ञान व्यापी मथुरा, ये बच्चा भी जानता है कि ये सैकड़ों साल पुराने स्ट्रक्चर है, ये जानकारी ठीक कर लीजिए और रुक जाइए। तस्लीमा नसीर को भारत सरकार ने सिटीजनशिप दी, उस पर आपत्ति है, जिसमें कानून आपके पक्ष में जा रहा है उस पर आप कानून को मानेंगे और यहाँ पत्थर चलाएंगे। अरे साहब संविधान पे रहिए, संविधान की बात करिए। गजेंद्र जी, गजेंद्र जी अनुराग के पास चले जाएं, फिर आपके पास आ रहे हैं। अनुराग बहुत देर से कुछ बोलना चाह रहे हैं। अनुराग 1919 वर्शिप एक्ट, जिस एक्ट की बात कर रहे हैं आप, उसी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि जो है आपको नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद की कोई आवश्यकता नहीं है। और आप ये पहले तय कर लीजिए जनता के सामने, दुनिया देख रही है आपको, कि मस्जिद प्लेसेस ऑफ वर्शिप है या ये इबादत गाह है, क्या है, किसकी कहते हैं, क्या आपके यहाँ बुत पूजा है, बुत परस्ती है, आप क्या तो बुत परस्ती कहते हैं, हराम है। और उसके बाद ये कौन सा एक्ट है, ये अभी इसमें सुप्रीम कोर्ट में मामला गया इस एक्ट के खिलाफ, क्योंकि ये बहुत ही काला कानून है। ये जिस तरीके से 40 वर्षों से ये एक्ट चला आ रहा है हमारे समाज में, और इसमें डिफाइन ही नहीं किया गया कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप होगा क्या, है कौन सा, इनको बताना तो चाहिए था, क्या चीज बताना चाहिए था कम से कम। ठीक अनुराग, आ गई आपकी बात, मैं आ रहा हूँ त्रिपाठी, जा रहा हूँ मिसम के पास। मिसम जल्दी, आप बहुत देर से शांत बैठे हैं, कुछ परेशान दिख रहे हैं, क्या बात हो गई? नहीं नितिन जी, कभी कभी सुनना भी बहुत जरूरी होता है। मैं सुन रहा था सबकी बातें, सब महानुभाव बैठे हैं, तमाम मुस्लिम स्कॉलर बैठे हैं, समाज सेवी बैठे हैं और प्रवक्ता बैठे हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के। बात पूछना चाहते हैं, आखिर चाहते क्या हैं आप? आप क्या चाहते हैं हिंदुस्तान के अंदर, आप देश के अंदर चाहते क्या है? बंटवारा चाहते हैं आप, पूरेदी चाहते हैं आप, पत्रकारा चाहते हैं आप, देश को क्या चाहते हैं, किस तरह से आप चलाना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं? सबका साथ सबका विकास की भी बात करते हैं, नुपुर शर्मा को भी निकाल देते हैं, उसके बाद लोगों के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर जो है वो काला कानून भी लाते हैं, मुसलमानों को एक पक्ष कार्रवाई भी करना शुरू कर देते हैं और फिर उसके बाद मुसलमानों को गले भी लगाना शुरू कर देते हैं। अंकुर यादव ने नुपुर शर्मा का जो है उनको आपने निकाल दिया है। ठीक है प्लीज, वन बाय वन प्लीज बोलने दीजिए, मिसम को बोलने दीजिए, मिसम जैदी को बोलने दीजिए, प्लीज वन बाय वन। हाँ मिसम जैदी अपनी बात, समाजवादी छात्र सभा के जिला, हो गया अनुराग, हो गया, बोलने दीजिए, मिसम जैदी को बोलने दीजिए, सफीकुर रहमान वर्ग को नहीं निकाला। ठीक है, मैं आऊंगा। बहुत खामोशी से सुन रहा जैनी साहब। देखिए ऐसा है कि अभी आपने देखा जितेंद्र त्यागी नाम के एक व्यक्ति को, जो पहले पूर्व में वसीम रिजवी था, उसको कोर्ट ने इसी बात पर जेल भेजा था कि उसने जो है वो एक तरह के बयान दिए थे जिससे एक टेंशन पैदा हुआ था और एक तरह का
अशांति का माहौल बना था तो कोर्ट ने उनकी रिलीज किया है, बेल पर उनको भेजा है, तो यही कह करके भेजा था कि आइंदा से आप इस तरह का कोई बयान नहीं देंगे जिससे समाज के अंदर वहमत फैले, आपकी भाईचारा खतरे में पड़ जाए। तो क्या वो एक नजीर नुपुर शर्मा जी के लिए काम नहीं कर सकती है कि उसी आधार पर नुपुर शर्मा को जेल भेजा जाए? अगर इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां नहीं होगी और मात्र इस तरह की खानापूर्ति कर किसी को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, तो आप ये बताइए नितिन जी इससे क्या वाकई न्याय मिल जाएगा या ये न्याय मिलने वाली बात है? क्यों नहीं उनको जेल भेजा जाता है इस तरह के लोगों को, ताकि वो दोबारा इस तरह की बात करने से उनको जो है वो एक भय रहे कानून तक जेल चले जाएंगे और दोबारा उनको उसी तरह से टाइट करके बाहर निकाला जाए? इस तरह से देश के अंदर एक प्यार और एक भाईचारे का माहौल आएगा। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पर बैठे हैं कि मैं कह रहा हूँ मैं अपनी पार्टी की तरफ से इस बात का स्वागत करूंगा, नितिन जी आपके सहयोग का स्वागत करूंगा अगर नुपुर शर्मा को ये जेल भेज देते। और नुपुर शर्मा के खिलाफ जो कार्रवाई की है वो कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिकरण के होकर के उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। ये कोई कार्रवाई किसी का किसी कार्रवाई से आप किसी का दिल जीतिए, आप वाकई जो भी कोई भी हो, हिंदू हो मुसलमान हो, अगर हमारी तरफ से भी कोई आदमी इस तरह का बयानबाजी देता है जिन लोगों ने पत्थर चलाए, आप उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हो, आप उनको जेल भेज दो, आप उनके खिलाफ जो भी विधिक वैधानिक कार्रवाई हो वो करो, अगर उसी लिस्ट में अगर आप मुकुल शर्मा का भी नाम लिखते तो इससे बड़ापन होगा, इससे प्यार मोहब्बत का एक पैगाम पहुंचेगा कि जिसने अगर कहा तो भारतीय जनता पार्टी ने उसको जेल भेज दिया, अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो हम आपकी इस तरह की राजनीति और इस तरह के न्याय को कैसे मान लें कि आपका जो न्याय है वो बिल्कुल ही स्वच्छ है और साफ है? ठीक है मिसम भाई, एक मिनट में श्रीवास्तव जी अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए मिसम जी ने जो विषय उठाया है, जेल भेजना या क्या करना, ये कानून का काम है, संविधान का काम है। मुकदमा जिसने जहां दर्ज कराना था वहां एप्लीकेशन दी, मुकदमे लिखे गए, अब इस पे आगे काम कानून को करने दीजिए। ये कानून तय करेगा कि उन्हें कहां भेजना है, ये ना राजनीतिक दल तय करेंगे, ना वो कानपुर के पत्थर भाग तय करेंगे और ना यहां की डिबेट में तय होगा। ये काम न्यायपालिका का है। बहुत सुविधा देखिए, बहुत से काम ऐसे हैं कि जो आप न्यायपालिका से बगैर पूछे कर देते हैं। जो दंगाई है, जो दंगाई है, जो बलवाई है, जो सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंचा रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। क्या समाजवादी पार्टी ऐसे दंगाई बलवाइयों के पक्ष में खड़ा होना चाहती है? अगर आप ऐसी देखिए सुविधाजनक बातें करना बंद करिए। आप सुविधा की राजनीति कर रहे हैं, जहां आपको सुविधा वहां आप संविधान के साथ खड़े हैं, जहां सुविधा नहीं है वहां आप संविधान के विरोध में खड़े हैं। ये नहीं चल पाएगी। एक लाइन पकड़िए, आप संविधान के साथ है, संविधान के तहत शासन कर चाहते हैं तो उसकी बात करिए। आपको जहाँ अच्छा नहीं लगता कहते साहब बाबरी शहीद हो गई, हम वहाँ रिफॉर्म करेंगे, आप कहते हैं ज्ञान व्यापी पे कोर्ट का फैसला आने दीजिए, आप कहते हैं ज्ञान व्यापी पे कोर्ट का फैसला आने दीजिए, और एक तरफ आप कहते हैं कि साहब ट्रिपल तलाक क्यों लाया, तस्लीमा नसरीन को नागरिकता क्यों दी? तो अगर भारत के सरकार के आप डिसीजन के खिलाफ हैं तो फिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अगर हैं तो फिर हाँ बोलिए। ये दोनों चीजें नहीं चलेंगी, मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा तू नहीं चलेगा। ट्रिपल तलाक का किया, सीए का किया, कहां नहीं धंधा चला? ट्रिपल तलाक तो हमारा इंटरनल मामला था, उसमें आत्मरस्ती कूद है। देखिए जब बिल्कुल अब उसका जवाब ले लीजिए, उसका जवाब ले लीजिए, उसका जवाब ले लीजिए, उसका जवाब अब न्याय की आड़ में, न्यायालय की आड़ में जो अराजकता फैलाई जा रही है, मेरा तो ठीक है। समय कम है, समय कम है। त्रिपाठी जी अपनी बात पूरी कीजिए, डिबेट खत्म कर देखिए। हाँ आऊंगा, नहीं भाई बात सुन लीजिए त्रिपाठी जी की, डिबेट खत्म भी करनी, समय कम है। मैं उत्तर देना चाहता हूँ। नहीं भाई, लायर है और चीजों को समझते हैं, जानते हैं, उसके बावजूद भी विवादित ढांचे को ये लोग बाबरी मस्जिद बोलते रहे। ठीक, राम मंदिर वाले राम मंदिर अगर कोई बोल रहा है, अगर वो लायर नहीं है, वो अज्ञानता है उसके अंदर, तो वो अपनी बात को, ऐसी बातों को अगर वो कहता है तो समझ में आता है। लेकिन नहीं भाई, इस चीज को बोलते हैं, ये बड़ा गलत है। दूसरे जल्दी कानपुर का जो मैटर है, कानपुर के मैटर में आप समझिए, सारे 30 साल से नहीं भाई, देखिए आपके बीच में नहीं कोई बोलता है अपनी बात। आपका नंबर आज बोलिएगा, 30 सेकंड में मैं खत्म, आपका नंबर आज बात बोलिए अपना। ठीक है, 30 सेकंड में देखिए बात पूरी कीजिए प्लीज। कानपुर में
मस्जिद के अंदर जो छोटे छोटे बच्चे आते हैं, 30 साल से नीचे के बच्चे होते हैं, देश दुनिया देखे नहीं रहते हैं, उनको कानून व्यवस्था कुछ नहीं मालूम, उनको ये सब ला करके बरगला करके ऐसी चीजों को चाहते हैं कराना देश में कि ये होता रहे, ये हमारे देश के प्रगति में बाधक बनना चाहते हैं। ठीक। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस डिबेट में जुड़ने के लिए और अपना अपना पक्ष रखने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में लगातार जो कार्रवाई है कानपुर के मुद्दे को लेकर के सरकार उस पर सजग है और पुलिस विभाग की तरफ से भी लगातार ये कार्रवाइयां जो हैं वो तेज हो चुकी हैं। फिलहाल अब जो आरोपी हैं उनकी तरफ से सरेंडर भी किया जा रहा है, लेकिन इस बीच जो इन धर्मों से जुड़े हुए लोग हैं या जो धर्म गुरु हैं उनकी तरफ से साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि ये कार्रवाइयां एक तरफा हैं। फिलहाल कानून अब आगे क्या करेगा, सरकार की तरफ से आगे क्या कार्रवाई की जाएंगी, ये देखना अहम है। आज की इस डिबेट में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।